हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन अ सेल। फर्स्ट ऑप्शन इज डीएनए, सेकंड ऑप्शन इज आरएनए, थर्ड ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्फेरोसोम्स। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली हमारे सेल में दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला इज द डीएनए एंड दूसरा इज आरएनए। सो इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस डीएनए इज बेसिकली कन्वर्टेड टू आरएनए। डीएनए इज कन्वर्टेड टू आरएनए। आरएनए में तीन टाइप्स के आरएनए होते हैं। फर्स्ट है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बेसिकली इट प्लेज अ रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ये जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, इट कैरीज इंफॉर्मेशन कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। सेकेंड होता है टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम होता है, दिस इज मैसेंजर, दिस इज ट्रांसफर। ट्रांसफर आरएनए का मेन रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। एंड लास्ट इज द आर आर एन ए, दिस इज द राइबोसोमल आर एन ए। राइबोसोमल आर एन ए इट बेसिकली फॉर्म्स द कोर राइबोसोम एंड इट हैज अ बाइंडिंग साइट फॉर एम आर एन ए। So basically it is also involved in protein synthesis. हमारा जो आरएनए होता है सेल में, सबसे ज्यादा यही आरएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इनसाइड द न्यूक्लियस बोथ। साइटोप्लाज्म में ये तीनों ही आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं एंड न्यूक्लियस में ये बनते हैं, सो दे आर सिंथेसाइज्ड। सो आरएनए इज द मोड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा है विच इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। डीएनए नहीं होता, बिकॉज डीएनए सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। एंड स्फेरोसोम्स आर बेसिकली लिपिड ड्रॉपलेट्स। लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी आरएनए। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।